ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। शिवरात्रि पर विशेष शिव पुराण में कथा है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में जो कहानी दी गई है, उस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, रस रहस्यमय ज्ञान, यह निकलता है कि एक ही व्यक्ति से दो सगी बहनों का विवाह नहीं करना चाहिए। यह निश्चित है, अन्यथा किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हो जाती है, या फिर वो व्यक्ति वो परिवार सुखी नहीं रहता है। जैसे कि पहले किसी पुरुष का विवाह किसी एक स्त्री से होता है, यदि उसके यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो उसकी छोटी बहन से विवाह कर दिया जाता है। तो छोटी बहन को बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति निर्मित होने पर किसी न किसी बहन की मृत्यु होना निश्चित है, यह परिवार में नरकी जीवन जीना पड़ सकता है। ऐसी शिव पुराण में दी गई घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो कहानी है, उस कहानी से यही सीखने को मिलता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, यानी कि एक ही पुरुष से दो सगी बहनों का विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो।